श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठी पति। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदु समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्तम बिंदावनम मनोहरम वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोदरन धैयम सदा परिभवग्नमविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम वीतात्यहम पनुतपाल भवद्दीपोतम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Parasabhava karmani na prasangsayat nagarhe Vishwam ekatman pashana pukriti purushena cha. Parasabhava karmani na prasangsayat nagarhe Vishwam ekatmakam pashana prakriti purushena cha. Gauri Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagat Guruji ne bataye Baddha jeev apna dosh dekh nahi sakta. Baddha jeev dusre ka dosh dekh sakta. Baddha jeev kabhi apna dosh dekh nahi sakta. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagat Guruji ne bataya Baddha jeevo ka ye swabhav hai. Baddha jeevo ka ye nature hai. ये कभी अपना दोष नहीं देख सकता, दूसरे का दोष देखता है. पापा जी ने बताया ये परो स्वभाव कर्मानी नौ प्रशंसित नगर है. दूसरे का स्वभाव का निंदा या प्रशंसा दोनों ही माना है. दूसरे का जो स्वभाव है बद्ध जीवों का, बद्ध जीवों का स्वभाव का निंदा और प्रशंसा दोनों ही मुश्किल है, उचित नहीं है. क्योंकि बद्ध जीवों का अंदर में मेटेरियल क्वालिटीज है, जड़ जगत का गुणावली, और किसी का अगर प्रशंसा करने जाए तो उसी में कंसंट्रेशन हो जाएगा, मन उसी में लग जाएगा. बद्ध जीवों का गुनावली, बद्ध जीवों का गुनावली मेटेरियल क्वालिटीज है, जड़ जगत का गुनावली, और इसलिए किसी बद्ध जीवों का प्रशंसा करने जाओ ये बड़ा भारी मुश्किल पैदा हो सकता है. क्योंकि दूसरे का गुनावली का प्रशंसा करने जाओ मेटेरियल क्वालिटी का, उसमें आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, उसमें आपका नुकसान हो सकता. और किसी का गुनावली का निंदन करने जाओ तो भी आप निंदा करने जाओ तो आपका कंसंट्रेशन उसमें हो जाएगा. निंदा करने के लिए उसका करेक्टर, उसका बिहेवियर सब कोई को याद रखना पड़ता है. याद रखे उसका निंदा करना या उसका प्रशंसा करना पड़ता है. पोपात कहते थे ये मेरा आप लोगों का पास ये मेरा उपदेश है, आप सभी का पास मेरा ये उपदेश है. आप लोग अपना अपना दोष देखने का कोशिश करें और अपना अपना दोष को रेक्टिफाई करने का कोशिश करें. दूसरे का दोष मत देखें. दूसरे का दोष देखने जाए या गुण देखने जाए इसमें जड़ अभिनिवेश के कारण हमारा पतन हो सकता है. लेकिन अपराकृत जगत का गुरु वैष्णव का जो प्रशंसा है ये माना नहीं है, ये करना चाहिए. वैष्णवेर गुणगान कोरिले जीवे त्राण. जड़ जगत का किसी का प्रशंसा या निंदा करने जाओ तो आपका बड़ा भारी मुश्किल है, आपका पतन हो सकता है. लेकिन गुरु वैष्णव का अपराकृत चरित्र, अपराकृत स्वभाव ये अगर प्रशंसा करने जाए इसमें आपका सुविधा है, इसमें बंधन मुक्त हो सकता है. गुरु वैष्णव का तो निंदा तो दूर की बात है. वैष्णव निंदुकेर मुखना देखिवे. वैष्णव निंदाकारी किसी का सकल देखना माना है, परिपूर्ण निषेध है. वैष्णवों का निंदा करना मतलब नरक में जाना. वैष्णवों का अपराकृत गुणावली है, निंदा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन निंदा करते हैं.
इसमें नरकवास होता है अनंत काल के लिए, बड़ा भारी मुश्किल है। श्री चैतन्य चरितामृतों में हम लोग पहले दिन पिछले दिन चर्चा करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का थोड़ा सिद्धांत विचार सुन रहा था। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एते चांस कलहा पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी वैकुलम लोकम मेडयंती युगे युगे, ये श्लोक का चर्चा किया था। एते चांस कलहा पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी वैकुलम लोकम मेडयंती युगे युगे, जो लोग भगवान श्री कृष्ण को सर्व अवतार का अवतारी मानता नहीं, हमारा ये समाज में रामानंदी संप्रदाय है, माधवाचार्य जो है, विष्णु स्वामी माधवाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बाकराचार्य, माध्वाचार्य सारे संप्रदाय हैं। कुछ संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण को माना जाता है, ज़्यादातर आदमी कृष्णो का आविर्भाव होता है, इसलिए वो लोग बोलता है कृष्णो का आविर्भाव होता है, इसलिए कृष्णो ओरिजिनल गॉड नहीं हो सकता, कृष्णो का आविर्भाव होता है, नारायण का कोई आविर्भाव नहीं है। वो ठीक है, नारायण ओरिजिनल भगवान है, कृष्णो तो आविर्भाव लेता है, कृष्णो का आविर्भाव होता है, कृष्णो कभी भी हो नहीं सकता, ये लोग ऐसा विचार करता है, बुद्धि खराब है। यहाँ तक कि हमारा महामंत्रों में जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लोग बोलता है हरे राम 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 हरे कृष्ण, क्योंकि राम आगे है, कृष्ण तो बाद में आया है, कृष्णो केम लेट राम केम तेता जुग, सो वाई कृष्ण इज जूनियर, दिस इज देयर कंसेप्शन, रॉन्ग कंसेप्शन। ये लोग जानता ही नहीं भगवत तत्व, अगर कृष्ण जूनियर है और राम सीनियर है तो ऐसा अगर विचार है मूर्ख का माफी छागल का माफी, तो कि प्रहलाद महाराज मोतीर न किसने पर तो सतो हुआ क्यों बोला, प्रहलाद महाराज सत्ययुग का है, प्रहलाद महाराज तो सत्ययुग का है, प्रहलाद महाराज कहाँ से कृष्ण मिला, कृष्ण नाम कैसे मिला, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना मोतीर न किसने पर तो सतो हुआ, ये जो श्लोक बोल रहे कैसे बोल दिया, गलत है। इटर्नली सब प्रेजेंट है, नित्य जगत में कृष्णो राम बराहो निशिंगो नारायण सब विराजमान, कुर्मो बराहो सब विराजमान है, लेकिन ओरिजिनली भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व, ये नियम है। ब्रह्मा जी ने खुद बोला है, ब्रह्मा जी ने देखा है, ब्रह्मा जी ने जो एक्सपीरियंस है, ब्रह्मा जी अपना एक्सपीरियंस बता दिया। अब वो लोग बोलता नहीं, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लोग तर्क उठाते हैं, जो लोग खाबी तर्क उठाते हैं, नहीं नहीं कृष्णो सीनियर नहीं है जूनियर है ऐसा, इसका लिए भागवत जी महापुराण का पहला स्कंदों का एक श्लोक उठाया, फिर तीसरा पहला स्कंदों का दो श्लोक उठाया। पहले दिन बताया एक ही भगवान कभी पर कभी ब्रह्म का रूप में, कभी परमात्मा का रूप में, कभी भगवान का रूप में, ज्ञान मार्ग में उसको इम्पर्सनल ब्रह्म बोल के उसको मानता है,
और योग मार्ग में इसको परमात्मा, ज्ञान मार्ग में इसको ब्रह्म बोल के मानता है, और योग मार्ग में इसको परमात्मा के रूप में देखता है, और भक्ति के द्वारा भगवान को दर्शन प्राप्त हो सकता है। भक्तों भगवान का स्वरूप का ध्यान करते सेवा करते हैं। भक्तों कभी भगवान को निराकार निर्विशेष चिंता नहीं कर सकते। भगवान कभी अपने को निराकार निर्विशेष ऐसा होने से प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण सर्वम गोविंदमादि पुरुषम। भक्तों भक्ति नेत्रों में, भक्तों भक्ति नेत्रों में भगवान को दर्शन करते हैं, अंतर में बाहर में भगवान का सेवा करते हैं मूर्ति का। भागवत जी महाप्राण का दूसरा एक श्लोक उठाया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, बोले एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह भागवत जी महापुराण इज द टॉप मोस्ट एविडेंस। महाप्रभु जी ने बोला जितना सारे प्रमाण है इसमें भागवत जी महापुराण टॉप मोस्ट है। भागवत जी महापुराण को महाप्रभु जी ने बोला सबसे ऑथेंटिक सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो। इसमें भागवत जी महापुराण में लिखा गया एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितना सारे अंशो कला है, कर्ण गोसाई है, गर्भद गोसाई, किरुद गोसाई है, या तो वैकुंठ जगत में नारायण है, जो कुछ भी है सह अंशो कला ये है। बट कृष्णस्तु बाट तू मीन बाट कृष्णस्तु बट कृष्णो इज स्वयं भगवान। कृष्ण इज द स्वयं भगवान यह बताया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इंद्रियारी वैकुलम लोकम मिरयंती युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण असुर राक्षस असुर के द्वारा ये समग्र जगत जब पीड़ित होती है, पीड़ित जब असुर राक्षस लोग ये धरती पर धूम मचाते हैं, अत्याचार करते हैं, तो फिर जब समय मिलता है भगवान ये धरती पर अवतीर्ण होके इसका प्रतिकार करते हैं, समाधान करते हैं। जो गीता में भगवान बोला, गीता में भगवान बताया संभवामि युगे युगे, जब जरूरत पड़े असुर राक्षस ये लोगों के द्वारा जब धरती पीड़ित होती है तब भगवान जगत में अवतीर्ण करके इसका सल्यूशन निकालते हैं। जब असुर लोग बड़ा अत्याचार करते हैं धरती का ऊपर, भगवान टाइम टू टाइम अपना अवतरण करके इसका समाधान करते हैं, नियम है। इसलिए गीता में भी बोला है, बोला भगवान, भगवान ने यह लिखा है संभवामी जुगे जुगे परित्राणायो साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम संभवामी जुगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्वानम अधर्मस्य तदात्मानं सजान्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं संभवामि युगे युगे। एरा गीता में भगवान बताया जब जरूरत पड़े हम धरती में अवतीर्ण होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य,
ग्लानिर भवति भारत। धर्मों का ग्लानी, धर्मों का जो ग्लानी, ग्लानी मतलब धर्मों पूरा जो धर्म है, धर्मों को एकदम कॉन्टामिनेटेड कर देता है, पूरा ध्वंस करने का, धर्मों को पूरा एकदम ध्वंस करने का जो विचार करते हैं, यदा यदा ही मतलब एफर्मेटिव, यदा यदा ही जब जब देखो धर्मों का ऊपर आक्रमण होता है, सब धर्म छोड़ दिया, पूरा अत्याचार से समाज फैला हुआ है चारों ओर, इस समय यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतो, धर्मों को ध्वंस करने का कोशिश करता है सब डेमोन्स, उस समय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभूत्वानम अधर्मस्य तदात्मानम सेयाम्यहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाच दुष्कृतम संभवामि युगे युगे। भगवान युगे युगे संभवामि मतलब आविर्भाव होता है भगवान, भक्तों लोगों को बचाने के लिए, विनाशाच दुष्कृतम जो बदमाश हैं असुर लोग हैं उसको मारने के लिए भगवान ऐसा करता। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी पहले कदम में विचार किया, सब अवतार अंशों कला सब एक साथ, बाद में विचार किया इट इज इनजस्टिस, उचित नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान, देयर शुड बी वन एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ कृष्ण, सो व्हाई आई गोइंग टू मिक्स इट, इट्स नॉट गुड। सब अवतार करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्णचंद्र करी लगन, ऑल अवतार इन जनरल लिख दिया, उसके बाद इट इज नॉट गुड, ये उचित नहीं है। तबे सुतो गोस्वामी, तबे सुतो गोस्वामी पाद सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्णचंद्र करी लगन। इसके बाद सुतो गोस्वामी अ लिटिल बिट अफ्रेड, उचित नहीं है, भय पाया, भय हो गया। जिसका जो लक्षण है अंशो कला परिपूर्ण भगवान स्वयं रूप, सब अलग अलग सा लिखने का प्रयत्न किया, नाम आई शुड राइट कैटेगोरिकली। तबे सुतो गोस्वाई मने पाइया भरो भय, जार जे लक्षण तहा करिल निश्चय, जिसके जो लक्षण के द्वारा चिन्हित डिनोट करना चाहिए वो है गया। सब अवतार सब पुरुषेर कला अंश, अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश, सब कला अंश ये सब है। अवतार बहुत किस्म का है, अंश कला है, उसके बाद आवेश अवतार है, इसके बाद मन्वंतर अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जो भी है भगवान श्री कृष्ण इज नॉट एनी अवतार, भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनल अवतारी, भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है, इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉज, अवतारी स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश, सर्व अवतंश माने समस्त अवतार सबका ओरिजिनल है, सर्व अवतंश। पूर्व पक्ष कहे स ओपोनेंट पार्टी फाइट करना शुरू कर दिया, आपका जजमेंट रॉन्ग है, योर जजमेंट रॉन्ग, क्यों? अरे नारायण इसका कोई जन्म नहीं है, नारायण आदि है, कैसे कृष्ण आदि हो गया? ऐसे पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालो तो व्याख्यान है, रॉन्ग वे यू आर एक्सप्लेनिंग। पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालो तो विचार, पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालो तो व्याख्यान, परब्रह्म नारायण स्वयं भगवान, इट इज मोर प्रैक्टिकल, परब्रह्म नारायण
is sleeping, no birth, no death. Krishna Bhakt, useless. Judgment ठीक नहीं है आपका. ऐसा करके झगड़ा शुरू कर दिया, लड़ाई. Parabrahma Narayan Swayam Bhagavan. Narayan coming in the form of Krishna. Is this practical? You are speaking wrong. Parabrahma Narayan Swayam Bhagavan. Teho Asi Krishna Rupe Karena Bhuta. Ehi Artho Sloke Dekhi. Ki Aar Vichar. It is clear, very clear. It is very clear. Then why you are speaking wrong? Ehi Artho Sloke Dekhi. Ki Aar Vichar. जो अपोनेंट पार्टी झगड़ा शुरू कर दिया, इसके बाद टू स्टॉप हिज आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट विचार दे रहे हैं टू स्टॉप देम. तारे कहे कैनो करो कुतर्क, व्हाई यू आर रॉन्ग आर्गुमेंट. तारे कहे कैनो करो कुतर्क अनुमान, योर एजम्पशन your fighting mood is not good. तुम शास्त्रों का विरुद्ध बोल रहे हो. जो लोग बोल रहे हैं नारायण आदि भगवान कृष्ण अवतार, ये लोगों का तर्क बंद करने के लिए, ये लोगों का तर्क को काटने के लिए हमारा पार्टी बोल रहे हैं तुम्हारा जो आर्गुमेंट है रॉन्ग आर्गुमेंट. तारे कहे क्यों करो कुतर्क, wrong argument you are doing. You are speaking just against Shastra. Shastra virudhva artho kabhu nahai praman. Yodi agar kishi ka bare mein kuch kehna chahta hai. Yodi agar koi kishi ka bare mein kehna chahta hai. Ram gone to forest. राम इज वेरी गुड और राम गोन टू फॉरेस्ट. तो ये पहले बोलना चाहिए जिसका बारे में तुम बोल रहे हो वो पहले रहेगा. अगर किसी का प्रशंसा करना चाहते हो, अगर किसी का प्रशंसा करने जा रहे हो तो नियम है जिसका प्रशंसा करोगे ये पहले बोलना चाहिए उसका नाम. इसका बाद कुछ बोलना चाहो तो उसका बाद बोल सकते हो. सेंटेंस में यही नियम है. ऐसा अनुवादम अनुक्त्वा तु न विदेहम उदीरयेत. भले अनुवादम अनुक्त्वा तु न विदेहम उदीरयेत, न ही अलब्धास पदम किंचित कुत्तचित प्रतिष्ठित. ये सेंटेंस का नियम है. पहले अनुवाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब है ना, इसमें अनुवाद ना करके अनुवाद बिना कहे बाकी विदेहो कैसे कह दिया, कैसे कर दिया. जैसे राम बड़ा पंडित या एग्जाम्पल दिया है, अनुवाद ना कोहिया ना कोही विदेहो, आगे अनुवाद कोई पश्चात विदेहो, अनुवाद ना कोरिया ना कोही विदेहो. अनुवाद ना कहकर विदेहो कहना उचित नहीं. अनुवाद ना कोहिया ना कोही विदेहो, आगे अनुवाद कोही पश्चात विदेहो. विदेहो कहिए तारे जेवेस्तु अज्ञातो, अनुवाद कहिए तारे जयी हय ज्ञातो. अनुवाद कही तारे जयी हय ज्ञातो और विदेहो कहिए तारे जेवेस्तु अज्ञातो. जय छे ए विप्रो परम पंडित, किसी ब्राह्मण का बारे में बोल रहे हैं ये ब्राह्मण बड़ा पंडित है. विप्रो, ए विप्रो परम पंडित. तो विप्रो अनुवाद पहले बोलना चाहिए विप्रो, इसके बाद इसका बारे में जो कुछ भी कहना है वो कह सकते हो. अगर विप्रो नहीं बोला, विदेहो पंडित बोल दिया, कैसे हो सकता.
पहले तो बताओ ये विप्रो, विप्रो पहले बताओ दैट विप्रो इज बिग पंडित, विप्रो विदाउट स्पीकिंग विप्रो पंडित हु कैन अंडरस्टैंड। नियम है जिसका बारे में जो कुछ बोलना चाहो उसका नाम पहले बोलना चाहिए, उसका बाद उसका बारे में जो कुछ भी बोलो बाद में, ये नियम है एस सेंटेंस का, यही नियम है। विदेहो कही है तारे जे वस्तु अज्ञातो, अनुवाद कही तारे जयी हो ज्ञातो, जय छे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद यार विदेहो पंडित्व, विप्र बोली जानी तार पंडित्व अज्ञातो। बहुत व्यक्ति ये विप्रो को ब्राह्मण को जानते हैं लेकिन ये जो बड़ा पंडित है नोबडी नोस, ये जो विप्रो है हमारा लोकालिटी में रहता है अच्छा आदमी है, ये विप्रो को सब कुछ जानता है, ये विप्रो है, विप्रो मैंने ब्राह्मण सब कुछ जानता है, लेकिन ये जो पंडित है ये कोई जानता नहीं, बहुत कम लोग जानता है। विप्रो बोली जानी तार पांडित्य अज्ञातो, अतए विप्रो आगे पांडित्य पश्चात, ये विप्रो बड़ा पंडित, तो पहले हमको विप्रो बोलना है, विप्रो नहीं बोलने से पंडित ये तो फेक टर्म हो जाएगा। तो यहाँ जो श्लोक है, यही जो श्लोक बताया, एते चांगसु कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांगसु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस सेंटेंस में कंफ्यूजिंग होता है, कोई पार्टी बोल रहा है कि इसमें ना कृष्ण तो बाद में बोला, एते चांगसु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इतना सारे अवतार है, जितना सारे एते एते माने ये सब सारे, एते माने एते एता, संस्कृत में एते एता, एता माने एता फेमिनाइन जेंडर में, और एते पुंगलिंगो, जैसे या देवी सर्वभूतेषु सुक्त रूप शक्ति रूपेण संस्थिता, तमस नमस्तस्वई, तस्वई मतलब ये फेमिनाइन जेंडर, और कोई अगर महादेव है वो तो मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर नहीं है, तो उसमें बोलना चाहिए जा देवी सर्वभूतेषु, जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्वई, तो इसमें नमस्तस्मई पुंगलिंगो अगर है तो नमस्तस्मई, और मनो स्त्रीलिंगो है तो नमस्तस्यै, समझा, मनस्तस्मै मनस्तस्मै। तो ये नियम है, तो एते चांसु कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे जितना है अंशो कला, ये सारे जितना है अंशो कला, किसका किसका अंशो कला आगा बोला, अगर आपने बोला एते चांसु कला, एते ये सब सारे जो है अंशो कला में गिनती होता है, तो अंशो कला किसका है, अंशो कला किसका है, ये क्वेश्चन आएगा। तो एते चंसो कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब बोली दिया कृष्णो, लेकिन कृष्णो स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं, तो इसमें डाउट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फाइटिंग का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि एते चंसो कलाह पुंस, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोल दिया भागवत जी महापुराण, तो एते चंसो कलाह पुंस किसका है, ठीक है, पुरुषावतारस्य पुरुषावतारस्य पुरुषावतार का एते चांसो कलह एक्सेट्रा बोल दिया, लेकिन बाद में बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं जब बोला तो ये समझना चाहिए कृष्ण इज द ओरिजिनल सोर्स, ए क्लियर है, वेरी क्लियर। जैसे विप्रो बोली जानी तार पांडित्य अज्ञातो,
विप्रो सब कोई जानता है, लेकिन ये जो पंडित है वो कोई नहीं जानता, तो आगे विप्रो बोलना चाहिए उसका बात पंडित। अतए विप्रो आगे, पहले विप्रो बोलना चाहिए उसका बाद पंडित, तो इसका जो डेजिग्नेशन है जो कुछ भी है बाद में बोलना। ठीक एक ही तोइछे, तोइछे माने सिमिलरली, तोइछे ऐसे ही यो सब अवतार सब तार ज्ञातो, तोइछे यो अवतार सब तार ज्ञातो, कार अवतार ए वस्तु विज्ञान अभिज्ञातो, एते एते माने ये सब सारे, एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुष का अंश पाछे विदेह संवाद, तैसे कृष्ण अवतार भितरे हईल ज्ञात, तार विशेष ज्ञान से विज्ञात। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विदेह संवाद, स्वयं भगवत्ता कृष्ण जो स्वयं भगवान, इसका बाद में बताया कृष्ण, कृष्ण जानते हैं लेकिन ये जो स्वयं भगवान इस शास्त्रों में विचार दिखाया। तोइछे कृष्ण अवतार भितरे होइलो ज्ञातो, तार विशेष ज्ञान से हो, कृष्ण तो आया है ठीक है, स अवतार का माफिक कृष्ण नाम जानते हैं, लेकिन कृष्ण का बारे में एक विशेष बात है, ये स्वयं भगवान ये आदमी जानते नहीं, कृष्ण जानता है। तो इच्छे कृष्ण अवतार भितरे होइलो ज्ञातो, तार विशेष ज्ञान ए अभिज्ञात। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विदेह संवाद, तो स्वयं पहले कृष्ण अनुवाद है, इसका विदेह बोलने जाओ तो इसका बारे में कृष्ण ओरिजिनल भगवान कृष्ण स्वयं भगवत्ता, कृष्णों का स्वयं भगवत्ता प्रमाण किया, कृष्णेर स्वयं भगवत्ता यह होइलो साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व होइलो बाध्य। तो स्वयं भगवान का पीछे पीछे कृष्ण नाम तो रहेगा ही स्वाभाविक। कृष्ण यदि कृष्ण अगर अंश होता, अगर कृष्ण स्वयं रूप भगवान नहीं होता, अगर कृष्ण को अंश कला का अंदर में गिनती कर दिया होता तो कैसे होता? कृष्ण यदि अंश ही तो, कृष्ण यदि अगर परमेश्वर स्वयं रूप भगवान नहीं होता, कृष्ण अगर स्वयं रूप भगवान नहीं होता तो कैसे होता? तो उल्टा होता। कृष्ण यदि अंश होता, कृष्ण यदि अंश हुआ, अंश अगर होता तो अंशी अगर नारायण, अगर ऐसा होता कि नारायण ओरिजिनली है, नारायण से कृष्ण आया है, तो उल्टा होता, लेकिन उल्टा तो नहीं है। कृष्ण यदि अंश हो तो अंशी नारायण, तब विपरीत हो तो सूतेर वचन, सूतदेव जी ने पहले ही बता दिया, एते चांस कलहा पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो इसका बात फाइटिंग का डाउट का कोई स्पेस नहीं है। Why you are expressing doubt? So, Narayan Ongshi, Jai Swayang Bhagavan, Teho Krishna, Oishe Kurita Bhakchan. Krishna jodi Ongsho, agar hota Ongsho, kala, to Ongshi agar Narayan hota, to vichar kuch ulta hota. Lekin inta nahi hai. सुखदेव गो हमारा सुतोदेव गोस्वामी थे, एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोल दिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। नारायण है मूल नारायण उंशी जय स्वयं भगवान, मूल नारायण, नारायण शब्दों का माने नारायण कॉमन वर्ड, नारायण कॉमन वर्ड, नार प्लस अयन, नार माने तमाम जीवों का, तमाम जीवों का जो सोर्स है, नित्यो नित्वानम चेतनोश्चेतनानम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये जो उपनिषद है, नार शब्द तमाम जीव का सोर्स, इसका सपोर्ट अयन, अयन मीन
nar plus ayan. Narayan na, nar plus ayan. Ayan means support. All jibo ka support hai, ye Bhagavan. To Krishna ko mool Narayan, origin, Narayan is a common term. To Narayan, agar Krishna ko Narayan, isme dosh nahi hai. Narayan, but mool Narayan, original Narayan. Ye bhi bol sakta. Krishna to theek hai. Lekin Krishna, Ananto Brahmando, Ananto Jivka, Prakit, Aprakit, sabka aadhar ayan hai. To ye mool Narayan. Brahma to pehle hi bataya na. Ye pehle bataya na. Brahma ji ne pehle hi bataya. Aye, Norer ayan jate karo darshan, tateo hob. Brahma ji ne bataya. Narer ayan jate karo darshan, tahateo hob tumi mool Narayan. Anyway, you are mool Narayan, mool, original Narayan. Narayan is a common term. Vaikuntha Bhoti Bhagwan ko Narayan bolta hai, theek hai, koi baat nahi. Tale, je mool Narayan hai, Narayan Ongsi je Swayam Bhagavan, teho Krishna, oiche kori ta vyakhyan. General, in general, आम आदमी का अंदर में ordinary बद्ध जीवों का अंदर में bonded soul में हर वक्त चार किस्म का defects रहता है. Bonded soul is always, you know, having four different natural defects. Natural mean not qualifying atma. Natural mean in this nature is quite natural. That is natural. That is called Brahmo, Pramad, Vipralipsa, Karna, Patav. Brahmo, Pramad, Vipralipsa, Karna, Karna, Patav. Brahmo, jaise raat ka samay mein aap gaon ka ghar mein lot rahe ho aur raste mein dekha ek saap hai. The apparent direct saap hai. Ab jaate jaate ruk gaya, saap, snack. Piche se koi aadmi aaya. Kya ruk kyun gaya? Kya hai? Bole samne saap hai. Saap hai? Unhone torch liya. Nahi nahi, saap nahi hai, rassi hai. Rassi hai. Saap nahi hai. Jaise ek rassa tang raha hai, usme saap dikh raha hai. Samjha? Brahm. Iska naam hai Brahm. Samjha? Iska naam hai Brahm. Brahm mane ek jis ek vastu mein dusra vichar. Ek vastu dekhne gaye aur dusra vichar aa gaya. Iska naam hai Brahm. Theek hai? Ek rassi latka raha hai, ek thread latka raha hai. Dur se baare saaf hai. अच्छा से लाइट देके दिखा नहीं, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सा है, ये तो थ्रेड है. तो ये रस्सा का अंदर में यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक दैट इट इज स्नैक. इसका नाम है भ्रम. भ्रम समझ गया ना? प्रमाद. गुरुदेव जी ने बोला, सुनो आज सब कोई का दीक्षा है, दीक्षा का दिन है, काल का दिन एकादशी गया, द्वादशी. थोड़ा सा जगन्नाथ का प्रसाद मुंह में टच करके आना, क्योंकि पारण का टाइम छूट जाएगा. पारण का टाइम है 7:30 का अंदर, 7:30 or 7:35 का अंदर पारण है. गुरुजी ने बोला हर आदमी जगन्नाथ का प्रसाद थोड़ा सा जीवन में टच करके हमारे पास आना, ठीक है? क्योंकि एकादशी का बाद द्वादशी है. और एक आदमी ने विचार किया, अरे ये दीक्षा तो बिना पानी होता है, पानी पी के भोजन करके दीक्षा तो नहीं होता है, तो हम नहीं पी के जाएंगे. सारे भक्तों लोग, गुरुजी ने बोला जगन्नाथ का प्रसाद टच करके आना.
उन्होंने क्या किया? अरे ये तो दीक्षा लेने का समय में है, दीक्षा का पहले पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। उन्होंने दीक्षा लेने के गुरुजी के घर पे बोला, गुरुजी पूछे साहब तुम जगन्नाथ का पुसा टाच करके आए हो? बोला हाँ गुरु। एक ने बोला नहीं हम नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले महाराज दीक्षा लेने का समय में तो कुछ खाना नहीं चाहिए, दीक्षा दीक्षा लेने का पहले तो कुछ टाच नहीं करना चाहिए, दीक्षा लेने का समय में तो कुछ टाच नहीं करना चाहिए, कोई महाप्रसाद आदि। दीक्षा का टाइम में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी एक फटकार लगाया, हमने तुमको बोला ना टाच करके आओ, हैं? प्रमाद हो गया, ऐसा उचित नहीं है। गुरुजी जो आदेश किया है उसको पालन करना चाहिए, प्रमाद हो गया। विप्रलिप्सा मतलब सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी, आदमी का अंदर में ये प्रकृति का एक गिफ्ट है, इट इज वन काइंड ऑफ गिफ्ट ऑफ प्रकृति। हर कोई के अंदर में दूसरे को चीट करना, अपने को चीट करना, बट हाउ ही और सी इज गोइंग टू चीट हरसेल्फ और हिमसेल्फ दैट हैज नो आइडिया, बट एनी वे गोइंग टू चीट याद नहीं है। जे दिस वे यू आर गोइंग टू चीट योर सेल्फ, यू थिंक आई एम चीटिंग अदर्स। ये जो है ए विप्रलिप्सा, इसका नाम है विप्रलिप्सास। विप्रलिप्सा में सेल्फ चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे को चीट करना, अपने को चीट करने का जो जो टेंडेंसी है विप्रलिप्सा। और कॉर्ना पार्ट ऑफ मतलब डिफेक्ट्स ऑफ ऑल आवर सेंस ऑर्गन। हम लोगों का आंखें हैं, कान हैं, नाक है, सब कुछ है, बट ऑल डिफेक्टिव, नॉट परफेक्शन, परफेक्शन नहीं है। समझा क्या बोला? हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हमारा जो इंद्रियोग्राम है, सब विद इन सर्टेन लिमिट कैन वर्क, बियॉन्ड दैट दे कैन नॉट वर्क। जैसे हम आंखों में देख सकता ना, तो किताब को थोड़ा सा इधर ले जाओ, बोले हम देख नहीं सकता, किताब को थोड़ा दूर हटाओ, बहुत दूर हटाए, अरे हम देख नहीं सकता, काछे लाओ, माने ऑप्टिमम डिस्टेंस, ये ठीक है। किताब को दूर ले जाओ, हम देख नहीं सकता, किताब को खूब अच्छे लाओ, अरे ऐसे को भी देखा जाता है, देख नहीं सकता। तो अंडर सर्टेन लिमिट, सम एंड सर्टेन लिमिट हमारा हर इंद्रियोग्राम, तो कभी भी अपना इंद्रियों का ऊपर, ब्रेन का ऊपर ज़्यादा सा प्रेशर मत दो, रिलैक्स्ड वे डू एवरीथिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड वे, समझा? नहीं तो पूरा प्रेशर आ जाएगा। भक्तों लोग, प्रभुपाद, भक्ति मतपुरी, ये लोगों का प्रेशर ठीक है, वो लोग कुछ नॉर्मल, बट इफ यू लाइक टू पुट टू मच प्रेशर ऑन मी, ओ आई एम फिर टायर्ड, ये ठीक नहीं है, रिलैक्स वे में। जैसे हम लोग बचपन में फुटबॉल खेलते थे ना, 8 घंटा फुटबॉल खेलो, नो टायर्डनेस, क्या बात है, 8 घंटा कंटिन्यूअस, फिर भी टायर्ड नहीं, क्यों? इसमें मजा मिलता है, हमारा ये फुटबॉल खेलने में मजा लगता है ना, आई एम गेटिंग एंजॉयमेंट, दैट्स नॉट टायर्ड। एक छोटा सा बच्चा, रात 12 बज गया, 1 o'clock, 12:30 ओवर, ए स्मॉल बॉय टीवी देख रहा है ओलंपिक और वर्ल्ड कप, लेकिन वही बच्चा को बोलो ए ट्राई टू स्टडी, आई एम फीलिंग टायर्ड, बोले वही बच्चा, जो बच्चा फ्रेशली टीवी देख रहा है, इसका नाम क्या है, सब मुखस्त है, किसका कौन प्लेयर का कौन नाम है सब बता दे, इसका नाम है ये, इसका नाम है ये, सब बता देगा मुखस्त, लेकिन पढ़ाई बोलने जो अच्छा नहीं लगा, तबीयत खराब है। तो जिस हमारा हरिकथा में आनंद लगता है, तो 8 घंटा 10 घंटा बोले इसमें टायर्डनेस नहीं है,
लेकिन आप ये कोई आदमी दूसरा बोलने जाए, डॉक्टर बोले यू स्पीक लेस, यू स्पीक लेस, अदरवाइज फॉल डाउन इन ग्राउंड। ये नियम है, जो चीज में अगर भजन में, भजन में ये तो भजन है ना, हमारा हरिकत तो भजन है, तो भजन में मेरा आनंद है। जिसका स्पोर्ट्स में आनंद है वो 8 घंटा के प्ले करे कुछ नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अप टू इस लिमिट, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। जो भी है तो ये जो भ्रमो प्रमाद प्रलिप्सा आर कोरोना पटअप, दोज आर द 4 नेचुरल डिफेक्ट, आई मीन विद इन दिस नेचर, सब जीवों का अंदर में रहेगा। भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव आर्शो विज्ञ वाक्य नहीं दोष ऐश। लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति, एक्साल्टेड डिवोटी, एलो का दर्शन में, एलो का सुनने में, एलो का समझने में, एलो का बोलने में, एलो का लिखने में कोई डिफिकल्ट नहीं। पौपात कंटिन्यूअस अगर हरिकथा बोले, प्रभुपाद का हरिकथा में कोई डिफेक्ट्स नहीं है। प्रभुपाद अगर किसी का विचार सुने उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। प्रभुपाद कोई देख रहा है, देखने का बाद उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन बद्धोजीवों का अंदर में डिफेक्ट्स है। ब्रह्मो प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, दोज आर द नेचुरल डिफेक्ट्स यूजुअली हैविंग इन ऑल बाउंडेड सोल्स, नेचुरल। किंतु कोई एग्जाल्टेड डिवोटी, ऊंचा भक्त है, बहुत सेंसिटिव, इन सब भक्तों का अंदर में आर्शो विज्ञ वाक्य नहीं दोष ही सब दोष रहता नहीं। आर्शो विज्ञ वाक्य नहीं दोष ही सब, व्हाट टू स्पीक अबाउट डिवोटी, इवन पावरफुल ब्राह्मण चाणक्य, पावरफुल ब्राह्मण नॉट डिवोटी, इज डिवोटी मे बी ही इज नॉट गोइंग टू थ्रो भगवान, ही लव भगवान बट नॉट दैट वे, इज ग्रेट डिवोट नॉट, बट ही इज ब्राह्मण पावरफुल, वेरी परफेक्ट आचार आचरण, ही हैज फेथ इन विष्णु, ही हैज रिटन सो मेनी थिंग्स आर रिटन नाउ इवन इन यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल एवरीवेयर we are reading, even the law of Newton can be false, later on it was put Newton did law is false, not used in optical, lekin aaj tak ye jo chanakya pandit ka koi baat falsify nahi kar paya, nobody could falsify, lekin who is not a great devotee but he has faith, brahman powerful, व्हाटएवर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बोला है चाणक्य पंडित इज इकोनॉमिक्स स्टिल टुडे आफ्टर 2000 ईयर्स, फिर भी विदेश देश विदेश में हर जगह दे गिव ऑनर टू चाणक्य पंडित इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिकल जे फॉर्मूला चाणक्य पंडित ने 2000 साल पहले दिया था, 2000 साल पहले, फिर स्टिल टुडे इफेक्टिव। हमारा प्रभुपाद जी ने एस्ट्रोलॉजी का बारे में स्टार पोजीशन जो कैलकुलेशन किया था, प्रभुपाद थीसिस लिखा था, थीसिस कुछ लॉन्ग एगो, स्मॉल बॉय नॉट वेरी, फिर भी आज फिर स्टिल टुडे विमला प्रसाद सरस्वती इनके जो थीसिस है, दोज वर गोइंग रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी they are studying, so you see how powerful। तो जो आर्शो वाक्य है, बहुत सारे चाणक्य वाक्य है, बहुत सारे चाणक्य वाक्य, लेकिन आज भी चाणक्य वाक्यों का इंपॉर्टेंस ही है। कोई बोल नहीं सकेगा चाणक्य पंडित का ये जितना फेंक दो, बोल नहीं सकेगा, इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्शो विज्ञ वाक्य, क्योंकि चाणक्य पंडित वेरी सेंसिटिव,
biggo, knowledgeable personality, having faith in Vishnu, maybe not great Vishnu. Okay. Chanakya Pandit ka main ek chiz tha, jo hamara Baman ji, Baman Dev Maharaj bola hai. You overlook all this point. So important point, but you cannot see. Now where is it? You cannot see. That's why under the guidance of Guru Vaishnava, we will have to study, not physically. Bamanji Maharaj ji ne bola tha, jab Boli Maharaj bol rahe the, are, ek continent hum de denge, ek mahadesh le lo, ek desh le lo, Asia, Russia, kuch bhi le lo, ya to ek, haan, le lo, continent le lo, Asia, Europe le lo, America, so continent, seven continent. The Boli Maharaj bolo, all under my control. What you need, one, I can give to you. But no, I don't need. What do you need? I have only 3 footsteps of land, this much. You cannot sit properly. And I need it. Itna hi chahiye. Are foolish, you are not walking all about your own interest. Maybe I can give you some village. No. I need that one. My footstep, this much leg, I can count. And 3 footsteps problem. Bola na? Aboli Maharaj feeling insulted. Huh? I am a big cream, he is just insulting me. 3 footsteps long. Lekin, Bamanji Maharaj ek important baat bola. Those who are greedy, try to understand. Those who are greedy, maybe they learn Shastra everything. But if they are greedy, they are not important personality. Kyunki wo jo greedy, they like to get something. He can donate me. So this kind of thing, he like to get so many things from other people. Money, positions, this, that. Then, iske jo power hai, down ho jayega. Samjha? Suppose kisi ne कपट साधु ये डोनेशन ले रहा है, उसका पावर डाउन हो जाएगा. डोनेशन ले सकता है एकमात्र प्योर वैष्णव, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. ही कैन टेक टेक. यहां बामन जी महाराज एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला. क्या बोला? जदिच्छा लाभेन संतुष्टस्य, जो यथालाभे संतुष्ट, अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ भगवान, आई एम गेटिंग 2 ब्रेड टुडे, सैटिस्फाइड. दैट काइंड ऑफ साधु, दैट काइंड ऑफ ब्राह्मण कैन इंक्रीज पावर, बड़ी पावर. पर ओनली डोनेशन की फॉल डाउन, पावर गिर जाता है. यदृच्छा लाभेन संतुष्टस्य संतुष्टस्य विप्रस्य तेजो वर्धते, उसका तेज बढ़ता है. जदिच्छा माने भगवत इच्छा. जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी किसी के पास किसी कुछ लेते नहीं थे. सुखदेव गोस्वामी किसी के पास कुछ लेते नहीं थे, यहाँ तो कि कपड़ा भी नहीं है, नंगा बाबा, नेकेट. और तीन मकान पे, तीन घर में Sukhdev Goswami can approach 3 houses or room. 3 houses. वहाँ अगर milk अगर दे दे, उसका पान करेगा. अगर ना दे, ठीक है. अगर ना दे तो ठीक है. No chapati, rice, कुछ नहीं. सारा दिन में 3 houses में जाएगा. 3. और 3 houses से कोई milk दे दिया, तो पान कर लिया. No, कुछ नहीं दिया, तो नहीं. बिना खाए रह जाएंगे. बहुत powerful. So, Bamanji Maharaj ने ये बताया. तो ये जो चाणक्य पंडित है, चाणक्य पंडित was so alert, चाणक्य पंडित इतना alert था कि चाणक्य पंडित economist थे, minister थे, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं लेते थे. ही वॉज नॉट ए पेड सर्वेंट. राइट टू रिमेंबर,
He was not a paid servant. He used to give free service. Because, क्योंकि उसको मालूम था, एक राजा से कुछ तंखा मानी ले ले, तो हमारा पावर, हमारा जो फायर, ड्रॉप हो जाएगा. हो जाएगा नहीं. माधुकुरी करके खाते थे. और देश के लिए सेवा करते थे. राजा पूछताछ करते थे, मिनिस्टर है ना, ये अभी क्या करना चाहिए, बोल देगा. एक दफे एक आदमी चाणक्य पंडित का कुटिया में दर्शन करने के लिए आए, कुछ बातें करने के लिए. चाणक्य पंडित सिटिंग इनसाइड भजन कुटीर, आई मीन राइटिंग समथिंग विथ ए लैम्प ग्लोइंग वायल लैम्प. एक आदमी ने आया, आके बोला, महाराज आपका साथ थोड़ा बात है. अरे ठीक है, आओ, आपका थोड़ा चर्चा करने आया है, तो पूछने आए हैं, टू आस्क समथिंग आई हैव कम. आओ. इसके बाद चाणक्य पंडित क्या कर रहे हैं, दो लैंप है, दो लैंप, लैंप टू लैंप वायल लैंप, एक लैंप को बुझा दिया और दूसरा लैंप को जलाया, जलाया. एक ही लैंप, सेम लैंप, टू लैंप, टू लैंप में दो, एक ही लैंप वायल लैंप, इसमें एक को बुझा दिया और एक को जलाया. वो आदमी ने पूछा, क्या बात है, सेम लैंप है, why you going to put off this lamp and going to light this lamp, this is my own lamp, this is a lamp I am running by the expense of king, I so long I was doing some king seva, I was using this lamp, now my personal matter you come, so I'll put off this lamp. Can you imagine, even in dream you cannot imagine, even in your dream you cannot go up to that, to so much consciousness. If I use this lamp, I can lose my power. Why Guru Vaishnav so powerful? Why Prabhupada so powerful? Keshav Maharaj, why? So like fire. Kyunki ye loka andar mein ye sab knowledge hai. Unnecessarily kuch nahi karega. Unnecessarily kuch nahi. Bhagavad Seva ke liye theek hai. Unnecessarily ek paisa waste nahi karega. One paisa. They suggest me, Maharaj, you cancel your train ticket, you come with us. No. Some poor man getting train ticket for me, I can go there. You can go and meet me after. Why not? Cancel karne mein loss ho jayega money. Confirm ticket. To hum nahi karenge. Hum kyun karenge? Jabki hamara ticket ek gareeb aadmi, poor man bana diya. तो हमारा उसका मंगल का सोचना चाहिए. हम नहीं करेंगे, तुम जाओ हमारे साथ मीट करना. नियम है, ये सब नियम है. हर वक्त सोचना चाहिए. कोई अगर के दे दिए, दे 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 दे, मैं क्यों क्यों दे रहा हूँ, क्या काम का है. सो ये सोचना चाहिए. एक एक ग्रीन कोकोनट का दाम है 70 रुपया, 70 रुपीज. हाउ यू डेयर टू गिव मी, हाउ यू एक्सपेक्ट 70-60 रुपीज एक ग्रीन कोकोनट, हम कैसे पान करें, हैं? इसके बदले में गोमाता का सेवा करें, गोमाता खा ले कुछ अच्छा, उचित नहीं है ना. हमारा बड़ा कष्ट होता है. यू आर गिविंग, आई विल हैव टू सर्च योर मंगल. आपका मंगल कैसे होगा, हमने पाया दो चार ढाप, ठीक है आपका मंगल, लेकिन आपका मंगल कैसे होगा वो हमको देखना पड़ेगा. पोपात का पास अगर कोई डोनेशन देने के लिए आते थे, प्रभुपाद ये थोड़ा डोनेशन है, किस लिए, थोड़ा भंडारा कराना है, यू टेक योर मनी बैक. भाई भाई अब भंडारा देना है, तो यू कैन टेक योर मनी बैक. व्हाई आई ब्रिंग टू यू फॉर डोनेशन. आपका मंगल कैसे होगा हम सोचेंगे. इफ यू आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योर ओन मंगल योर सेल्फ, डोंट कम टू मी, आई कैन नॉट टेक इवन वन सिंगल पेनी. ये प्योर साधु का नियम है, नियम है. सो ऐसा है, प्रभुपाद ऐसा करते थे. मेटेरियल आदमी सोचे कि भंडारा देने से मेरा नाम हो जाएगा. हु हैज गिवन दिस भंडारा, ओ दिस चैटर्जी बाबू, आ नाइस नाइस प्रसाद. बट दैट मेटेरियल मैन थिंकिंग, वो मेटेरियल मैन सोचता है कि अगर किताब छपाए
किताब कौन पढ़ेगा, दो एक आदमी पढ़ेगा, किसने डोनेशन दिया है दो एक आदमी जानेगा, सो बेटर नॉट टू यूज इट। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं तुमने पैसा दिया मानी दिया, लेकिन तुम्हारा मंगल का जुमा मेरा ऊपर है, हाउ टू सर्च योर मंगल, हाउ टू गिव मंगल टू यू, आई नो इट। इफ यू आर गोइंग टू टेक रिस्क देन यू टेक इट मनी बैक, ले जाओ पैसा ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। तो ये देखो चाणक्य पंडित का एक बात बोला, रेलिवेंट प्रसंग, इट इज रेलिवेंट, नोबडी नोस, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है नोबडी नोस, सब वेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो चाणक्य पंडित एक ब्राह्मण है, इज नॉट ए ग्रेट डिवोटी, यू हैज फेथ इन वैष्णव, इसका कितना पावर है देखो, हमारा प्रभुपाद का कितना पावर है, जब भी देखो जाएगा लाइक ए फायर ग्लोइंग वैष्णव का। वैष्णव जहाँ जाता है ना, ये लोग जो ऑर्डिनरी आदमी है वो देखने का बात सोचते हो, अरे बाप, वैष्णव जब जाता है ना उसका पावर देख के बाप रे, उसको ऑटोमेटिकली समझ जाता है बहुत पावरफुल आदमी, क्योंकि एक पावर रहता है, क्योंकि दूसरे का पैसा दूसरे का धन दौलत अगर हम एंजॉय करने का वासना करें, जैसे यू ऑल रिजर्व वन रूम फॉर मी, यू रिजर्व वन रूम फॉर मी दे आर न्यू नाइस ऑल स्टोन एवरीथिंग बट नेवर आई टू रेस्ट देयर, एक दिन के लिए मैं वो टूटा हुआ आई एम टेकिंग रेस्ट इन माई ब्रोकन प्लेस, दैट इज वेरी कम्फर्टेबल, क्यों मैं जानता है ये मेरा लिए नहीं है। हरिकथा के लिए गया ठीक है, रूम पे गया, पैर हाथ पा धोया, कुल्ला किया, हरिकथा में आके बैठ गया, ये रूम मेरा नहीं है, ये कॉस्टली है, लैक्स ऑफ रुपीज दे स्पेंड, इट्स नॉट फॉर मी, ये हमारा लिए नहीं है, हम कैसे ले लें, ये सोचना चाहिए। तो ये जो भ्रमो प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटव आर्ष, ये जो है नेचुरल डिफेक्ट्स, स्वाभाविक रूप में जो डिफेक्ट्स बद्धजीव के अंदर में रहता है, लेकिन आर्षो विज्ञ वाक्य जो बड़े पर्सनालिटी है, जो विज्ञ व्यक्ति है, नॉलेजेबल पर्सनालिटी, वेरी सेंसिटिव मैन लाइक चाणक्य, ये लोगों का स्पीच में कोई डिफेक्ट्स नहीं है। पितामह भीष्म कैन नेवर स्पीक लाई, पितामह भीष्म का वचन में, पितामह भीष्म का वचन में कोई दोष नहीं रह सकता, प्रह्लाद महाराज का वचन में कोई दोष नहीं रह सकता, संभव नहीं, संभव नहीं, इसको बोलते हैं आर्षो वाक्य। और कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी भी कह रहे हैं विरुद्धार्थ कहो, हमने जब बोला कृष्ण स्वयं भगवान, यू आर कमिंग विथ फाइटिंग मूड, व्हाई विरुद्धार्थ कहो, तुम्हें कही तो करो रोष, आप उल्टा बोल रहे हो, आप उल्टा बता रहे हो, यू आर स्पीकिंग जस्ट ऑपोजिट, विरुद्धार्थ कहो तुम्हें, और जब हम डिफेंड करने जा रहे हैं तुम बिकम वेरी एंग्री, व्हाई विरुद्धार्थ कहो तुम्हें कही तो करो रोष, तुम्हार अर्थे अविमिष्ट विध्यांश दोष। एक संस्कृत में एक डिफेक्ट्स है, इसके इसका नाम है अविमिष्ट विध्यांश दोष, इसका नाम है अविमिष्ट विध्यांश दोष, अविमिष्ट विध्यांश दोष मीन, अविमिष्ट विध्यांश दोष मीन विध्यांश, विध्यांश अर्थात अज्ञात वस्तु जे प्रधान, जस्ट नाउ आई टोल्ड, एक आदमी है वो आदमी को बहुत सारे आदमी जानता है, लेकिन ये लोग जो इतना पावरफुल है ये आदमी वो कोई नहीं जानता। एक दिन एक बच्चा उसका पिताजी को लेकर सर्कस देखने, सर्कस ओलंपिक सर्कस, उसमें गया, देखा वही व्यक्ति जो हमारा लोकेलिटी में रहता है उसको हर आदमी जानता, वो जा रहा है,
बोले किस लिए मैं भी हो सकता है कि देखने के लिए ओलंपिक सर्कस देखेगा, लेकिन अपना टिकट लेके अपना सीट में बैठ गया। इसके बाद सर्कस चल रहा है, इन बिटवीन देखा वही आदमी सर्कस में एंट्री लिया। क्या बात है, वो आदमी तो देखा हमारा लोकेलिटी में रहता है, इन्होंने क्या करने के लिए आया। देखा एक गाड़ी है, गाड़ी एक पेट्रोल कार है, उसको ऐसा हाथ देके ऐसा उठा रहा है बाया हाथ से। अरे ये मैन इतना पावरफुल है, हमको मालूम नहीं था। आई नो दैट मैन सो पावरफुल, यू डोंट नो इज रिसाइडिंग आवर लोकेलिटी, ठीक है ना। तो ये आदमी का नाम है प्रणब मुखर्जी, ये लोग जानता है। लेकिन ये जो इतना पावरफुल है, सर्कस में काम करता है, ये एक पेट्रोल कार को ऐसा करके उठा दिया, इतना पावरफुल है तो जानकारी नहीं था। तो कुछ बोलने जाओ तो आपको बोलना प्रणब बाबू का क्षमता बहुत है। तो पहले आप बोलोगे प्रणब बाबू, इसका बाप बोलोगे इसका क्षमता पावर ज्यादा है। तो विरुद्धार्थो कहो तुम्हें कहित करो रोष, तुम्हार अर्थे अभिमिष्ट विधि अंश दोष। तुम जो विचार किया इसमें, इसका संस्कृत व्याकरण का अनुसार इसका डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट्स है इसका नाम है अभिमिष्ट विधांश दोष। महाप्रभु जी ने जो दिग्विजयी पंडित आया था गंगा का किनारे, दिग्विजयी पंडित आया था गंगा का किनारे, महाप्रभु बोल रहे ओ तुम्हारा नाम निमाय है? हाँ मेरा नाम निमाय है। ओ तुम्हारा नाम सुना है, तुम बच्चा का जो शास्त्र है, चाइल्ड लोग जो व्याकरण पढ़ते उसको तुम अच्छा समझ। बोला हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख है। इसका बाद बोला आप बड़ा पंडित हो, आपसे कुछ सुनना चाहता है, क्या सुनोगे? बोले गंगा का महिमा, हम जीस्ट बता रहे, अब गंगा का महिमा सुनेंगे। ठीक है चलो, गंगा का महिमा धड़ाधड़ मुझसे बोलना शुरू। तो आपका जो स्तुति है गंगा, बड़ा एक्सीलेंट, बट देयर इज सम डिफेक्ट। डिफेक्ट्स? व्हाट डू मीन ए स्मॉल बॉय? डिफेक्ट्स है कुछ? डिफेक्ट्स? तुम बच्चा हो, तुम कुछ जानते नहीं हो, हम बड़ा पंडित है दोस्त। बोले इफ यू नेवर माइंड हम गन सो, जैसे आपने लिखा भवानी भर्ता। महापौर बोले आपने भवानी भर्ता नाम दिया, भवानी भर्ता बोला ना, तो आपने भवानी भर्ता क्यों बोला? क्योंकि भवानी बोलने से भवो का पत्नी, यदि अगर को भवानी बोले, इट इज़ वेरी क्लियर सी इज द वाइफ ऑफ भवो, तो भवानी भर्ता हस्बैंड ऑफ भवानी भर्ता, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। महाप्रभु जी ने बोला आपने तो ये मिस्टेक किया। हाउ मिस्टेक? अरे देखो भवानी मीन भवो भवानी, मैंने भवो मीन शंकर, भवो भवानी मीन उसका वाइफ, वेरी क्लियर। तो भवानी भर्ता, भवानी का भर्ता, अरे भवानी इट्सेल्फ क्लियर, तो उसका भवानी का हस्बैंड, ये क्या बात है, भवानी का हस्बैंड। अरे भवानी मीन भवो इज हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड, वेरी क्लियर। तो आपने मिस्टेक किया, देखो कितना सुंदर। तो ये सब राइटिंग में, स्पीच में थोड़ा मिस्टेक है। तो ये भी जो मिस्टेक है, ये अभिमिष्ट विध्यांश दोष, अर्थात सब्जेक्ट पेडिकेट का बारे में, सब्जेक्ट नहीं है पेडिकेट कैसे आएगा? पहले तो बोलना चाहिए आई एम स्पीकिंग समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, आफ्टर दिस, तो पहले ये बोल देगा उसके बाद कैसे हो सकता, क्लियर? वेरी, ये मिस्टेक है। तो अभिमिष्ट विध्वांस दोष है। महाप्रभु जी कृष्णदास कविदास गोस्वामी पर्पसली मेकिंग फर्स्ट पार्टी एंड सेकेंड पार्टी, समटाइम हम लोग भी ऐसे करते हैं,
किसी जिसको क्लैरिफाई करने के लिए इच्छा करके हम फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी लिखते हैं, आर्गुमेंट करके फाइनल कंक्लूजन, इच्छा पर्पज भी करते हैं जिसमें अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो ये तुम्हारा कृष्णदास गोविंद गोस्वामी, जो लोगों का गलत भावना है, ओपोनेंट पार्टी है, और फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखा रहा है इतना स्लो क्लियरली। विरुद्धार तो कहो तुम्हें कहिते कहिते कहो रोष तुम्हार अर्थे अभिमिष्ट विध्यांश दोष, जार भगवत्ता होते अन्नेर भगवत्ता, जो स्वयं भगवान जिससे दूसरा आदमी भगवान, जैसे इंद्र वरुण शंकर सब भगवान, सब भगवान है ना, बट ओरिजिनल भगवान कृष्ण, यहां तक कि गुरुदेव भगवान बोल सकता है, ये भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। गुरुदेव भगवान बोल सकता है, हमको वृंदावन में पूछा महाराज जी दिस इज रॉन्ग और राइट, इट इज राइट बट वी आर नॉट यूजिंग, सम फूलिश पीपल उल्टा समझेगा। तो शंकर भगवान, इंद्र भगवान, वरुण भगवान, भगवान आ दुर्गा भगवती, भगवती भगवान भगवती, मास्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर, फॉलो, दुर्गा भगवती है, भगवान है भगवती, तो भगवान भगवती ऐसा यूज करता है। योर इंग्लिश में ऑल्सो है ना, दिस दैट ऐसा होता है। तो ये जो है जिनके भगवत्सा से बाय द पावर ऑफ भगवान, बाय द पावर ऑफ ओरिजिनल भगवान, दे ऑल आर गेटिंग सम पावर, दैट्स व्हाई यू कैन कॉल भगवान। भगवान मीन भगवत्ता, पावर भगवान दिया। तो जार भगवत्ता होते अन्यर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द तातेश्वर, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान ये जो शब्द है, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान ये जो शब्द है, स्वयं भगवान ये जो शब्द है, ये एकमात्र भगवान भगवान कृष्ण के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए नहीं है। काल इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे, ब्रह्म संगीता का श्लोक उठाएंगे, जैसे ब्रह्म संगीता का है ना, दीपार्चिरेव दशांतरम अभ्युत अभ्युपेत्तो दीपायते विवित्त हेतु समान धर्मा, ये जो श्लोक है ये काल हम विचार करेंगे, इसका ऊपर करके आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे, समय हो गया। तो पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत विश्वमेकात्मकम पश्चन प्रकृति पुरुषे न च, पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसित न गर्हे विश्व में कात्पखन पश्यन प्रकृति पुरुषे न छ वांछ कल्पतरो के पास पतितानं पावने भो वैष्णव।